हेलो फ्रेंड्स, मनन रोतेला स्वागत करता हूँ आपका उत्तराखंड देवभूमि के कॉर्बेट सिटी रामनगर से। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे से गांव सेमल खलिया से। और अभी शाम के बज चुके हैं 5:30। जस्ट अभी मैं ऑफिस से आया तो मम्मी ने बताया कि आज हमें हरेला बोना है, क्योंकि आज से 10 या 11 दिन बाद हरेला जो आज हम बोएंगे उसे काटा जाएगा। तो श्रावण महीने की पहली तारीख, श्रावण की पहली तारीख को हरेला काटा जाएगा और उसी दिन हरेला त्यौहार मनाया जाता है। उत्तराखंड का यह एक लोकप्रिय त्यौहार है, खासकर कुमाऊं का। तो अभी आपको दिखाएंगे कि हरेला कैसे बोया जाता है और उसमें कौन कौन सी सामग्री का यूज किया जाता है। मम्मी बैठी हुई है पीछे, लगी हुई तैयारी में, हरेला की तैयारी उसने कर ली है बोने की। और आज का मौसम कुछ ऐसा ही रहा है, सुबह हल्की फुल्की बारिश थी, अभी थोड़ा ठीक ठाक हो गया है। तो ये बरसात का मौसम है, आज है 7 जुलाई और चलते हैं हरेला बोते हैं थोड़ा। तो मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है, ये देखिए। ओके, के धरे तुले में हूँ घर बन माऊ पतेल ने किया तिमला पतेल। अच्छा, और ये रेत और रेता रेता। तो पहले पूड़े बनाने हैं, पूड़े बना ला 5। ओके, तो दोस्तों मैं और मम्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मम्मी ने तैयार कर दिया है सामान। अभी पहले पहले पूड़े बनाने हैं, फिर उसमें बोया जाएगा ना। पहाड़ में कैसे पूछे पर तुम पहाड़ों में पहले प्रेमा बने के पूड़ा निकला टूटने रहे। तो पूड़े बनाते हैं और यहाँ से की वीडियो हम टाइम लैप्स में रिकॉर्ड करेंगे, ताकि फटाफट आपको दिखे कि हम क्या क्या करेंगे। काफी टाइम लगेगा उसको बनाने में। ये 5 पूड़े हम बनाएंगे और फिर उसमें रेत रखेंगे, यानी ये बजरी मिट्टी के तौर पे, और फिर उसमें कुछ बीज है वो आपको दिखाएंगे हम बाद में। पहले पूड़े बना लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों पूड़े बन चुके हैं, 5 पूड़े बना दिए हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। और मम्मी चले गए हैं अभी दूध लेने, तो तब तक इसमें रेत डालते हैं और बीज बोते हैं। तो चलते हैं अंदर, क्योंकि ये काम वहीं पे हो सकता है जहाँ पे इसको रखना है, फिर इसको उठाएंगे तो टूट जाएंगे क्योंकि पत्तों के हैं सिर्फ। तो अंदर चलते हैं और अंदर जहाँ पे इनको रखना है वहीं पे इनमें बीज बोएंगे। चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अंदर। अब इसमें सबसे पहले रखते हैं ये रेता, इसमें भी रेता है थैले में, कम पड़ेगा तो, अगर ये कम पड़ गया तो इसमें थैले में से ले लेंगे। तो यहां रखते हैं इनको। तो इसमें डालते हैं अब रेता। तो रेता डाल दिया है सभी में, आपको एक बार बीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है बीज, इसमें 5 ही रखी है, आई थिंक 5 या 7 ऐसे कुछ चीजें रखते हैं। तो देखते हैं क्या क्या रखा है इसमें। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इसमें मक्का रखा हुआ है, इसमें गेहूं भी है और इसमें चना भी रखा हुआ है, इसमें जौ, तिल और मांस, और इसमें जो राड़ होता है सरसों वो भी रखा हुआ है। तो इसमें है जौ, राड़, मक्का, गेहूं और मांस, एक दाल है और चना और तिल। तो 7 चीज इसमें रखी है जहां तक मुझे लग रहा है। तो इसको इसमें डालते हैं, अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो छोटे छोटे दाने वाले बीज है वो नीचे रह जाता है, तो पहले वही डाल लेता हूं ताकि सब में बराबर पहुंच जाए वो।
जो मोटा अनाज है उसे बाद में डालेंगे। तो काफी ज्यादा हो गया है, पूरा नहीं डालता हूँ। बीज उगने के लिए स्पेस नहीं होगा जितना ज्यादा बीज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बीज हमने बो दिया है अच्छे से इसमें। ये देखिए, पास से दिखाता हूँ आपको। तो पांच अलग अलग पूड़े में हमने बीज बो दिया है और इसे अभी रेत से ढक देंगे। अभी इतना रेत बचा हुआ है, कम पड़ेगा तो थैले से ले लेंगे। तो बीज तो बो दिया है, हल्का हल्का रेता ऊपर से डाल देता हूँ ताकि बीज ढक जाए अच्छे से। तो बीज ढक दिया है अच्छे से रेत से और इसे हल्का पानी देंगे भी थोड़ी देर में। तो ये देखिए, ये अच्छे से ढक दिया है। अभी इसको पानी देंगे हल्का हल्का, फिर से ढक देंगे किसी कपड़े से, क्योंकि इस पर नजर नहीं पड़नी चाहिए बार बार। इसे देखना अच्छा नहीं माना जाता, कहते हैं नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों, जो हरेला का बीज है वो बो दिया है और अभी टाइम हो गया है 6:30 का। उसको बनाने में, पूरे प्रोसेस को फॉलो करने में काफी टाइम लग गया और मम्मी भी आ गई है अब दूध लेके। ओए हरे बोहा माल देखा तू कसा रे बरा आनंद तो बाद माल देगा वाली को पानी देना छोड़ पानी यार आज तो हरेले को पानी भी देना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं मैंने सही बोया है नहीं। सब ने ज्यादा है लो। तो हरेले को थोड़ा जो बीज बोया उसे पानी देते हैं। मम्मी ने कहा जो बचा हुआ बीज है वो भी डाल दे, तो इसमें डाल दिया ऊपर से। हल्का हल्का छीटा मारना है बस पानी का। अभी और लाता हूँ रेता बाहर से ना। हेलो हेलो बच रहा फिर ये छोड़ दे तुमने। तो दोस्तों, हरेले को ढक दिया है कपड़े से ताकि इस पर रोशनी कम से कम पड़े और इसे एक दिन छोड़ के पानी देना होता है। तो हर शाम को एक ड्यूटी लग जाएगी अब, किसे एक दिन छोड़ के पानी देना है। तो दोस्तों, हरेला बो दिया है और पानी देकर उसे ढक दिया है। तो आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि कैसे हरेले का बीज बोया जाता है और अभी शाम को हल्की हल्की अब बारिश शुरू हो गई है, आपको दिखाता हूँ। देखिए तो देखिए दोस्तों, अब हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में और 10वें दिन देखेंगे कैसा होता है वो जो हमने हरेला का बीज बोया है, कैसा उसका रिजल्ट रहता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हरेला का बीज सही से उगता नहीं है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तब तक के लिए बाय।